अजलदेसर नगर पालिका में कोऑर्डिनेटर ऑफिसर 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, पैंट की जेब से मिली रिश्वत की राशि। बिलों का भुगतान करने की एवज में रिश्वत मांग रहे चुरू जिले की राजलदेसर नगर पालिका के कोऑर्डिनेटर ऑफिसर दीपक कुमार सांखला को चुरू एसीबी ने बुधवार को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। चुरू एसीबी के डीएसपी सब्बीर खान ने बताया कि राजलदेसर निवासी जगदीश प्रजापत ने शिकायत की थी कि उसकी पत्नी चंदा देवी के नाम से फर्म है, जिसमें स्वयं सहायता समूह बनाने और बैंकों में समूहों के खाते खुलवाने का काम किया है। इसके तहत करवाए गए कार्यों के लिए 1,65,000 रुपये के बिल पेश किए गए थे। बिलों का भुगतान करने की एवज में नगर पालिका राजलदेसर में कोऑर्डिनेटर ऑफिसर सामुदायिक संगठक दीपक कुमार सांखला 10,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा था। एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया। इसके बाद बुधवार को टीम ने दीपक कुमार सांखला को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाश जारी है। डीएसपी शब्बीर खान ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार को गुरुवार दोपहर एसीबी के बीकानेर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी दीपक कुमार सांखला श्री डूंगरगढ़ के आड़सर गांव का निवासी है, जो कि राजलदेसर में कोऑर्डिनेटर ऑफिसर का काम कर रहा था। ये बिल पास करने की एवज में 10% के हिसाब से वो रिश्वत राशि लेना चाहता है, तो उसका हमने सत्यापन करवाया, तो उसमें उसने 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पे लेके और उसके वो बिलों का भुगतान करना सत्यापन में पाया गया, जिसकी एवज में आज हमने वहाँ राजलदेसर नगर पालिका में ट्रेप का जाल बिछा कर आरोपी दीपक कुमार जो कोऑर्डिनेटर ऑफिसर है उसको 10,000 रुपये लेते हुए हमने गिरफ्तार किया और मौके से उससे उसके पेंट से रिश्वत राशि बरामद की। और उसके बाद में हमने वहाँ पे जांच में पाया कि ये उसके पास वो फाइल थी, तो हमने 3 घंटे में उस परिवादी के रुपये भी जो बिल बकाए थे वो भी हमने पास करवाए हैं। इसे भी प्रत्येक जायज कार्य के लिए परिवादी को किसी भी तरह से हरेसमेंट कभी नहीं करने देगी। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ये समस्त कार्रवाई।